हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो मैंने कुछ महीनों पहले एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने बताया था कि आप लोग सी एस एग्जीक्यूटिव में कौन सा सब्जेक्ट का क्लास किससे ले सकते हो। मैंने आपको रेफर किया था, ऑब्वियसली मैंने आपको फाइनल रिकमेंडेशन कुछ नहीं दिया था। इन द सेम वे अभी सी एस एग्जीक्यूटिव का न्यू सिलेबस आ चुका है, आप सबको पता है। तो न्यू सिलेबस के हिसाब से मुझे कुछ फ्रेंड्स के कॉल आए थे कि उन्हें सिलेबस के हिसाब से भी आप कुछ एक रेफ़र कर दो, तो मैं वही रेफ़र करूँगा। तो सबसे पहले मैं रेफ़र करने से पहले एक थोड़ा सा डिफरेंस बिटवीन बता देता हूँ कि ओल्ड में क्या था एंड न्यू में क्या है। कुछ चेंज नहीं हुआ है, बस दो चीज़ों को हटाई गई है। पहले एक पेपर था हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जिसमें से स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पोर्शन को हटाया गया एंड कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में से मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पोर्शन को हटाया गया। और जो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बचा, इन दोनों को मिला के एक सब्जेक्ट कर दिया गया है, वही हुआ है। तो पहले 8 पेपर थी, अभी 7 पेपर है, बाकी सब चीज़ें सेम है। और एक छोटा सा बदलाव ये किया गया, छोटा सा नहीं, ठीक ठाक बदलाव हुआ है कि पहले 5 पेपर आपका रिटेन था, 3 पेपर्स आपका MCQ। अभी क्या हुआ है, ऑल पेपर्स में 80 मार्क्स का आपका रिटेन रहेगा एंड 20 मार्क्स का MCQ, बस डैट्स ऑल एंड नथिंग हैज़ बीन चेंज्ड। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि न्यू सिलेबस के हिसाब से आप किसको रेफ़र कर सकते हैं। ऑब्वियसली हमेशा वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, आई एम सेइंग रेफ़र, मैं फाइनल रिकमेंडेशन कभी नहीं देता हूँ। तो उसके पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ। यस, माई नेम इज़ अनीस झा, आई एम सी एस एग्जीक्यूटिव क्लियर। करंटली मैं अपना मैनेजमेंट ट्रेनिंग कर रहा हूँ इन ए लिस्टेड कंपनी एंड मैं June 24 में न्यू सिलेबस में अपना फाइनल देने वाला हूँ। तो चलिए, दैट्स ऑल अबाउट मी, अब मैं आपको रेफ़र कर देता हूँ। तो जैसे आपको पता है 7 पेपर्स हैं अपने न्यू सिलेबस में। तो पहला जो पेपर है जुरिसप्रूडेंस इंटरप्रिटेशन जनरल लॉज। पहले के वीडियो में मैं दो टीचर्स का नाम बोलता था, लेकिन अब मैं एक ही टीचर का नाम लूँगा, ऑब्वियसली यू ऑल नो द रीज़न। तो चलिए मैं बताता हूँ, पहला जो है अपना जुरिसप्रूडेंस इंटरप्रिटेशन जनरल लॉज, इसके लिए बाय क्लोजिंग योर आइज यू कैन टेक शुभम मोदी, आराम से आप इनको लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। सेकेंड इज़ कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस, शुभम अब्बत सर से आप क्लास परचेज कर सकते हैं, ठीक है। आप इनका ऑब्वियसली डेमो देखिएगा, आप सब जो भी टीचर का मैं नाम ले रहा हूँ आप सभी का डेमो देखिएगा। थर्ड इज़ सेटिंग अप ऑफ बिजनेस इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉज, आप ये शुभम मोदी सर के लीजिएगा, और एक्चुअली हाँ शुभम मोदी सर का। फोर्थ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो ओल्ड में अलग अलग था, अब इसको न्यू में एक ही ला दिया गया है। तो ऑब्वियसली आप ये लेने वाले हो राज आपते सर का, और भी बहुत सारे टीचर्स हैं, लेकिन मैंने पर्सनली राज आपते सर का क्लास का मैंने रेफ़र किया था, तो मैं वही बोल रहा हूँ, बाकी यू कैन चेक आउट अदर टीचर्स टू। फिफ्थ जो कि अब ग्रुप टू का पेपर है, कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉज, ये आप आँख बंद करके, बिलीव मी आँख बंद करके आप शुभम शुक्लेचा सर का ले सकते हो, ही विल कम्प्लीट दिस सिलेबस इन डिटेल, आपको अंदर घुस घुस के वो पढ़ाते हैं। ओके, सिक्स इज इकोनॉमिक कॉमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज लॉज, ऑब्वियसली आप शुभम मोदी सर का ये ले सकते हो। एक्चुअली दो टीचर शुभम मोदी सर एंड शुभम अब्बत सर इसको कॉम्बाइन पढ़ाते हैं यूनिक अकेडमी ऑफ कॉमर्स में, तो आप ये सब्जेक्ट उनसे ले सकते हो। एंड टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस, इसके लिए मैं आपको दो टीचर रेफ़र करूँगा। फर्स्ट जिसको मैंने पर्सनली रेफ़र किया था, जो मेरे को बहुत अच्छे लगे एंड ओनली बिकॉज ऑफ हिम आई थिंक आई स्कोर्ड 55 मार्क्स इन टैक्स लॉज, तो डैट इज़ सर स्वामी मंगलानी सर। एंड एक और सर को मैं रेफ़र करता था, लेकिन मैं एंड मोमेंट पे, कि ऑब्वियसली हम लोग एक ही टीचर को रेफ़र करेंगे, दो टीचर को रेफ़र नहीं कर सकते, लेकिन वो टीचर भी बहुत अच्छे हैं, मिस्टर विवेक गावा सर, आप इनको भी बहुत अच्छा हैं पढ़ाते हैं, इनको भी आप रेफ़र कर सकते हैं। सो दीज आर द 7 सब्जेक्ट्स जिसका मैंने आपको रेफरेंस दिया। हाँ, ये कॉन्क्रीट नहीं है, आप इसके अलावा भी दूसरे टीचर्स को रेफ़र कर सकते हो। ऑब्वियसली मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, मैंने एग्जीक्यूटिव पढ़ा, मेरे को साल भर लगभग हो गए हैं, तो ऑब्वियसली अच्छे अच्छे और टीचर्स आ गए होंगे, तो मैं ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ हैंड, बट यस ये टीचर्स अभी भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ऑब्वियसली आगे भी बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, इवन मेरा भाई भी लगभग इन्हीं में से सबका क्लासेस कर रहा है, तो आप रेफ़र कर सकते हो। हाँ, मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको, आप किसी का भी क्लास लो, क्लास लेने से पहले कुछ चीज़ें ध्यान में रखो। सबसे पहला फीस, जो फीस का मामला होता है वो सबसे एंड में आना चाहिए, फीस कंपैरिजन बाद में। सबसे पहले आप देखो उनका डेमो लेक्चर्स, कि बहुत सारे टीचर्स हैं देखेंगे आपको मोटिवेट बहुत करेंगे, लेकिन उनका कोई डेमो लेक्चर नहीं, कोई मैराथन नहीं, कोई रिविजन वीडियोज कुछ नहीं। तो सबसे पहले देखो उनका डेमो लेक्चर्स, दो तीन चार पाँच करके सबका डेमो लेक्चर हर सब्जेक्ट के ऊपर आपको मिल जाएगा। सेकेंड, फिर देखो कि वो लोग मैराथन या फिर रिवीजन वीडियोस कितने अपलोड करते हैं, एग्ज़ाम टाइम में कितने हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स के, वो देखो। थर्ड,
फिर अगर आपके कोई फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको कुछ रेफरेंस दिया, जैसे मैंने आपको GIGL के शुभम मोदी सर बोला, तो अब देखो आपका कोई फ्रेंड क्या शुभम मोदी से क्लास लिया है GIGL का, तो अब उनसे जानो कि वो कैसा पढ़ा रहे हैं, उनका फीडबैक क्या है, अब उनसे भी फीडबैक लो। आँख बंद करके मेरे पर भरोसा मत करो, कोई और भी बोले तो भरोसा मत करो, जो आपका क्लोज है उसने अगर क्लास लिया है तो आप उन पर भरोसा करो। तो रेफरेंस लो अपने फ्रेंड से, एंड लास्ट में आता है आप फीस कंपेयर करो अलग टीचर्स का। तो ये आपका सीक्वेंस होना चाहिए, डेमो, मैराथन, फ्रेंड्स का रेफरेंस, देन फीस। ऐसा नहीं कि पहले फीस देखेंगे, अरे ये महंगा है इसको छोड़ो देखना ही नहीं इसको, ऐसे मत करना। पहले आप इस सीक्वेंस में चलो, डेमो देखो उनका रिविजन है कि नहीं, आपका फ्रेंड्स का रेफरेंस देखो, एंड देन आप फीस कंपेयर कर सकते हो। सो डैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स ने बोला था कि न्यू सिलेबस के ऊपर भी बना दो, तो मैंने बना दिया। कुछ चेंजेस नहीं है, मोटा मोटी सब सेम ही है, बट बस मैंने कुछ चीज़ों को यहाँ से हटाया जो कि पहले एप्लीकेबल थी, अभी एप्लीकेबल नहीं है। सो होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक करें एंड शेयर करें।